क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लकी हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये तुम क्या बातें कर रहे हो, आज क्रिसमस ईव है, चलो खूब मजे करते हैं, चलो। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है डोरेमोन, मुझे किसी भी तरह शिजुका की क्रिसमस पार्टी में जाना है। तो क्या इस साल शिजुका ने तुम्हें बुलाया नहीं नोबिता? हाँ उसने बुलाया है मुझे। तो प्रॉब्लम क्या है? हर साल हमें हिडन टैलेंट दिखाना होता है, पिछले साल मैंने मैजिक ट्रिक दिखाई थी, तुम्हें याद है ना डोरेमोन? अच्छा तो ये बात है, जरा एक मिनट रुको, मेरे पास एक बढ़िया चीज है। क्या सच में? द लिटिल मैच गर्ल। क्या कहा? द लिटिल मैच गर्ल? इसका मैं क्या करूँ? जरा इसे पढ़ो। मैं इसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ डोरेमोन, जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, पर इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम्हें पता है नोबिता, द लिटिल मैच गर्ल की कहानी बिल्कुल सच्ची है। हाँ क्या सच में डोरेमोन? कोई फ्यूचर से टाइम में वापस आया था और उसने अपनी ड्रीम मैचेस खो दी, लिटिल गर्ल ने उन्हीं मैचेस को यूज किया था, तो इस तरह नोबिता वो ड्रीम मैचेस हुई, समझे? क्या कहा? ड्रीम मैचेस? तुम्हें पता है नोबिता, ये ड्रीम मैचेस हमारे दिल की बात को एकदम सच कर देती है। हाँ? तो अगर तुम इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए करोगे कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो उठकर तुम्हारे लिए क्लैप करेंगे। वाओ ये तो मजेदार है, इससे तो मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा। अब मैं ये पता करूंगा कि डैड मुझे क्रिसमस गिफ्ट में क्या देने वाले हैं। क्यों डोरेमोन? जरा सुनिए डैड। क्या हुआ? डैड एक्चुअली मैं अपने क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में पूछने आया हूँ। तुम्हें कल पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैड। हाँ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, बताओ? ये नहीं है मॉम, आप और डैड आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बता दिया? बेटा हमने सोचा क्रिसमस के दिन घर बैठना अच्छा नहीं होगा, तो हम कहीं बाहर चले। मैं भी जाना चाहता हूँ मॉम। तुम दोनों तो शिजुका की पार्टी में जा रहे हो ना, हम तुम्हें अगली बार ले जाएंगे। ठीक है बेटा चलो मुझे काम करने दो। अच्छा तभी वो इतने अच्छे मूड में है। हाँ? हम बाहर जा रहे हैं मॉम। अच्छा तुम दोनों अभी से जा रहे हो? ये लो बेटा तुम कुछ पैसे रख लो, शिजुका के लिए कुछ फूल खरीद लेना, ठीक है? हाँ, थैंक यू मॉम, हमें आने में थोड़ी देर होगी। ध्यान रखना। तुम्हें पता है नोबिता लड़कियों को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। लेकिन फ्लावर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फ्लावर की जगह मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिससे वो बहुत खुश हो, जैसे कि ग्लव्स या फिर मफलर। तो नोबिता तुम ड्रीम मैचेस को यूज करके क्यों नहीं देखते? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हेलो तुम तो बहुत जल्दी आ गए। ओ हम अभी नहीं आए हैं, तुम ही बताओ ना डोरेमोन। हाँ ये सही कह रहा है, असल में हम ये पूछ रहे थे क्या तुम्हें कुछ चाहिए जैसे कि गेम्स या कैंडल्स? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम बाद में मिलते हैं। हम जल्दी वापस आएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे आइस क्यूब्स की क्या जरूरत है। हाँ तुमने सही कहा, उसे इतनी ठंड में आइस क्यूब्स क्यों चाहिए, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर शिजुका को वही चाहिए तो क्यों ना उसे हम गिफ्ट में वही चीज दे दें। मैं तैयार हो गई। हाँ तो चलो अब चलते हैं। हाय तुम शिजुका के घर जा रहे हो क्या? हाँ। अरे ये क्या है सुनियो? तुम्हें पता है इस बॉक्स में शिजुका का प्रेजेंट है नोबिता? इसने मुझे बताया नहीं कि इसमें क्या है। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और तुम्हारे हाथ में क्या है जियान? ये, अरे ये भी एक सीक्रेट है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है नोबिता? एक बात बता दूं सुनियो, शिजुका ने कहा था कि उसे कैंडल नहीं चाहिए। नोबिता नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता है वो कैंडल कितनी महंगी है और कितनी अनोखी भी। तुम कह रहे हो तो जरूर ये अनोखी कैंडल ही होगी। मैं हूँ जियान, मैं हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ नोबिता? असल में बात यह है कि हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। ये है तो बुरी बात, लेकिन हमें क्रिसमस पार्टी मिस करनी ही पड़ेगी। अरे नोबिता तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ मैं अब समझ गया, नोबिता इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे परफॉर्म करने से डर लगता है। वो जियान, तुम्हारा एक्ट तो वैसे भी अच्छा नहीं होगा, मैं इस साल कुछ बढ़िया मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जरूर आना। क्या कहा? मैजिक ट्रिक? तुम जानते हो मैंने तो अपना कॉस्ट्यूम भी बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम गाना नहीं गाने वाले जियान? क्या गाना? वो मेरा हिडन टैलेंट नहीं है, सब जानते हैं कि मैं गा सकता हूँ, अगर मैं गाऊंगा भी तो ये कुछ स्पेशल नहीं होगा। शायद तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि हाँ, हाँ। मुझे पूरा विश्वास है जियान कि तुम्हारी मैजिक ट्रिक बहुत मजेदार होगी। क्या? बेटा शायद तुम्हें पता नहीं पर शिजुका की तबीयत तो बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है बेटा। अगर शिजुका बीमार है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हाँ कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि शिजुका कुछ और ही सोच रही थी। हो सकता है वो आइस के बारे में इसलिए सोच रही होगी क्योंकि उसे फीवर था नोबिता। तो ये बात है। ओह यहाँ तो बहुत ठंड है, चलो हम घर चलते हैं नोबिता।
अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, मॉम डैड तो डिनर के लिए बाहर गए हैं। अरे हाँ, अब हम क्या करें? यहाँ बहुत ठंड है, मुझे भूख लगी है। काश मॉम और डैड जल्दी वापस घर आ जाएं। बहुत ठंड है, मैं समझ सकता हूँ कि लिटिल मैच गर्ल को कैसा लगा होगा। सही कहा।